देश में लागू हुआ सीए, क्या अब सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल जाएगी? दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए मोदी सरकार के लिए हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह तो बार बार दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा, और अब अचानक सीएए को लेकर सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार के मुताबिक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी भारत की नागरिकता मिलेगी? आखिर सीएए है क्या, और इसके लागू होने पर क्या क्या बड़े बदलाव होंगे? सीएए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन और ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सभी के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाजपा पार्टी के एजेंडा में सीएए का काफी पहले से जिक्र होते आया है। मोदी सरकार के पहले कार्यालय में साल 2016 में इसे लोकसभा में पेश किया गया। यहां से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन वहां इसे बहुमत से पास नहीं कराया जा सका। अटकने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो दोबारा बहुमत जीतने के बाद मोदी सरकार बनी। सरकार बनते ही इसे दोबारा लोकसभा में पास किया गया। दो दिन बाद 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी इस पर मुहर लग गई। दोनों सदनों में पास होने के बाद सीए को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। हालांकि इसके लागू होने में काफी देरी हो गई। इसकी प्रमुख वजह रही देश भर में होने वाले विरोध प्रदर्शन। 2019 में राज्यसभा में बिल पेश करते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को आशा की एक नई किरण बताया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सीए भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है और हर एक भारतीय नागरिक के अधिकारों को समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता क्यों मिल रही है? दरअसल भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के आने के कई कारण थे, उत्पीड़न, भेदभाव, शारीरिक असुरक्षा, जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा इत्यादि। आधिकारिक आंकड़े मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के पलायन की गवाही देते हैं। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी का लगभग 23% थे, आज वो लगभग 5% है। हिंदू लगभग 1% ही रह गए हैं। इसी तरह 1971 में जब बांग्लादेश बना तब हिंदू आबादी का 19% थे, 2016 में वे केवल 8% ही थे, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या दोगुना हुई है। 1947 में भारत में मुसलमानों की संख्या 9 करोड़ थी, आज उनकी अनुमानित संख्या लगभग 20 करोड़ है। अल्पसंख्यकों की गिरती जनसंख्या के अलावा सभी मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों के सर्वोच्च पदों पर मुसलमानों को तवज्जो मिलती है, जबकि भारतीय संविधान सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और मुसलमानों के साथ साथ बाकी अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है। विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। इस पर सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहां पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहां से भागकर भारत आए हैं, इसलिए गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है। कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन तीन देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हों। भारतीय नागरिकों पर सीएए का क्या असर होगा? सरकार ने अपने बयान में कहा है कि सीएए के जरिए मिलने वाली नागरिकता वन टाइम बेसिस पर ही होगी, यानी कि 31 दिसंबर 2014 के बाद गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस कानून के अमल में आने के बाद भारत के किसी भी नागरिक
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनकी नागरिकता को कोई प्रभाव नहीं होगा। अभी भी कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है, क्या किसी की नागरिकता भी छीनी जा सकती है? तो ऐसा नहीं है। सीए में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि सीए में किसी भारतीय की नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है। वैसे तो केंद्र सरकार के इस कदम का कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, वहीं मोदी सरकार वादा पूरा किए जाने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। सीए के खिलाफ असम में कई संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में एक समुदाय सीए लागू होने को लेकर खुशियां मना रहा है। वो समुदाय है मथुआ कम्युनिटी। मथुआ समुदाय की तरफ से इसे दूसरा स्वतंत्रता दिवस तक बताया जा रहा है। अब ये समुदाय है क्या और ये सीए लागू होने पर खुश क्यों हो रहे हैं, विस्तार से जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में मथुआ समुदाय को मानने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। साल 2014 में मथुआ कम्युनिटी की राजनीतिक ताकत में और इजाफा हुआ। पश्चिम बंगाल की 11 लोकसभा सीटों पर मथुआ समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। बनगांव के इलाके में मथुआ समुदाय के वोटर 65 से 67% है, जबकि बाकी 10 लोकसभा सीटें जहां मथुआ समुदाय का प्रभाव ज्यादा है वो हैं कृष्णा नगर, राणाघाट, मालदा। ऐसे में इस समुदाय का वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जबकि केंद्र की एनडीए सरकार सीए को लागू कर चुकी है, इसके तहत भारत में आकर बसे नाम शूद्र समाज की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। यह एक तरह से मथुआ संप्रदाय की मांग पूरी होने जैसा है। जानकार बताते हैं कि इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। सीए लागू होने के बाद सीमा हैदर ने पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी है, हम भारत सरकार को बधाई देते हैं। पीएम मोदी ने जो वादा किया उसे पूरा भी किया। बता दें कि भारत आने के बाद सीमा हैदर सनसनी बन गई थीं। शुरुआत में सीमा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जासूस बताया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा से पूछताछ की थी, हालांकि बाद में सीमा को छोड़ दिया गया था। सीमा ने सचिन के साथ नेपाल में शादी का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि 13 मार्च 2023 को दोनों ने नेपाल में शादी की थी। सीमा के भारत आने के कुछ दिन बाद दोनों की शादी की तस्वीरें भी सामने आई। इस तस्वीर में सीमा की मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र है। फिलहाल सीमा को सचिन के घर वालों ने भी अपना लिया है और अब वह सचिन की पत्नी के तौर पर भारत में रह रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीएए के तहत सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि सीमा 2014 से पहले भारत नहीं आई है। दूसरी, वह मुसलमान है। प्रवासी मुस्लिमों को सीए के तहत नागरिकता नहीं मिल सकती है। हालांकि सचिन के साथ शादी के बाद वह बतौर हिंदू महिला की तरह रहती हैं, लेकिन न तो वो जन्म के आधार पर हिंदू और न ही 2014 से पहले भारत आई थी, इसलिए इस कानून के तहत तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।